हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको शेयर करूंगी मखाना की रायता की रेसिपी, यानी कि फुल मखाना की रायता की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप मखाना ले लिया है और अभी इसको हम भूनेंगे। तो ये मखाना पहले से थोड़ा सा सौगी जैसा रहते हैं, तो इसको भून करके हमें क्रिस्प करना है। तो कम से कम इसको 6 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे और उतने में ये क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये क्रिस्पी हो गया है बिल्कुल मुरमुरा की तरह, यानी कि पॉप्ड राइस की तरह ये क्रिस्पी हो गया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल मुरमुरा की तरह हो गया है, आसानी से ये टूट रहा है। तो ये हो गया है क्रिस्पी। तो अभी हम गैस का फ्लेम को बंद कर लेंगे, इससे और ज़्यादा भूनेंगे नहीं। इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस इतने में ही गैस का फ्लेम को आप बंद कर लीजिए और अभी हम इसका रायता बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है और अभी इसमें हम डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और यहाँ पर काला नमक डाला है 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, ये 1/4 टीस्पून होगा काला नमक। और चिली पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप चाहे तो कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ मैंने 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये इसको बहुत ज़्यादा थिक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा थिक वाला दही पसंद है तो आप पानी को स्किप कर लीजिए। और ये रेडी हो गया है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसका फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पर एक तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर तड़का पैन में मैं 1/2 टीस्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर डाल देंगे सरसों। सरसों को यहाँ पर अच्छे से चटकने देना है, और चटकने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 सूखी मिर्च और यहाँ पर 4 से 5 कड़ी पत्ता, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हींग भी डाल सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं जलाना है, गैस का फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और ये तड़का को डायरेक्ट हम दही में डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये तड़का छोंक वाला रहता दही बन करके रेडी हो गया है। अभी इसमें हम डालेंगे मखाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मखाना को डाल लिया और अभी इसको मिक्स करेंगे। और मखाना को आपको पहले से ही डाल के नहीं रखना है, आपको जब खाना है तभी ही मखाना को डालिए, क्योंकि दही में डालने के बाद ये मखाना धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। तो बहुत पहले से ही डाल के मत रखिएगा, जब खाना है आपको उसी टाइम ही ये मखाना को ऐड कीजिए, ताकि आपका ये मखाना क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे, और ये अनार की दाना मैं डाल रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ऊपर से मैं और थोड़ा सा अनार की दाना डाल रही हूँ और धनिया के पत्ता अच्छे दिखने के लिए। और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत आसान सा रेसिपी है, झटपट भी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी इसको साइड डिश के हिसाब से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।